हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, और इस चैप्टर से मैं आपको 50 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा फॉर डिफरेंट अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक EMRS, TGT, PGT, अदर स्टेट TGT, PGT और TET के लिए ये कंटेंट जो सफिशेंट और क्वालिटेटिव रहने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट टाइप ऑफ मूवमेंट इज दैट इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वो एमीबॉइड मूवमेंट भी शो करता है, सिलियरी भी और मस्कुलर मूवमेंट भी शो करता है। मायोफिब्रिल्स शो डार्क एंड लाइट वेंट्स इन, बट कार्डियक मसल्स में भी डार्क और लाइट वेंट दिखते हैं, और साथ ही में आपका जो है स्ट्रैपडिड मसल है उसमें भी डार्क और लाइट वेंट दिखते हैं। सो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। EDTA इंजेक्टेड इनटू मसल्स कंबाइन विद कैल्शियम आयन क्या करता है? वो जो है स्लो डाउन करता है कॉन्ट्रेक्शन को। आपने ये कंसेप्ट यहाँ पे समझना है। जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है उनको पता है कि मैं टू टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। पहला आपका रहता है हमारा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, सेकंड आपका मेमोरी बेस्ड। जहाँ कंसेप्ट होता है उसको मैं डिटेल में कंसेप्ट समझाता हूँ, और जो मेमोरी बेस्ड है उसको मैं जस्ट रीड आउट करके पास करता हूँ। जैसे आपने स्टार्टिंग के दो क्वेश्चन भी देखे होंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ देखना है EDTA अगर मसल में इंजेक्ट करते हैं तो, जैसे देखो EDTA इंजेक्ट इनटू मसल्स कंबाइन विद कैल्शियम, तो उससे क्या होता है जो आपका कैल्शियम, जैसे आपका EDTA कंबाइन होता है कैल्शियम के साथ, वो कॉन्ट्रेक्शन को स्लो करता है। क्यों करता है? पहली बात, आपका जो EDTA है वो चिलेट आयन है। चिलेट आयन मतलब कि वो कैल्शियम आयन के साथ बाइंड होगा और कैल्शियम आयन की एक्टिविटी को ख़त्म कर देगा। अब आपने यहाँ समझना है, समझने वाली बात तो ये है इधर, ठीक है, अच्छे से बिना किसी स्ट्रेस से। देखो आपका जो मायोसिन की एक्टिव साइट है वो एक्टिन में प्रेजेंट होती है, ये बात समझे आप। मानो कि आपका ये इधर एक्टिन प्रोटीन है, ठीक है, और जो ई वाली साइट है ये कैसी है, ये मायोसिन के लिए एक्टिव साइट है, ये आपको पता लग गया, ठीक है। ये कौन सी प्रोटीन है, एक आपको मैं जस्ट जो है अच्छे समझाता हूँ। ये एक्टिन प्रोटीन है, इसमें जो ई वाली साइट है ये मायोसिन के लिए कैसी है, एक्टिव साइट है। बट इस साइट को जो है वो इनएक्टिवेट किया हुआ है, यानी मास्क्ड किया हुआ है, किसने, ट्रोफोनिन ने। ये आपने ध्यान रखना है इस प्रोटीन को, ठीक है। जो आपका ट्रोफोनिन है इसने क्या किया हुआ है कि जो आपकी मायोसिन की एक्टिव साइट एक्टिन में प्रेजेंट है उसको ठप किया हुआ है, मास्क किया हुआ है, इनएक्टिवेट किया हुआ है इन रेस्टिंग स्टेज में। ये बात आपको समझ आ गई है, ओके। अब क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कैल्शियम आयन लेवल बढ़ता है, इंक्रीज होता है, फिर जो कैल्शियम आयन की जो बाइंडिंग है वो होती है ट्रोफोनिन के साथ। कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड हो जाता है ट्रोफोनिन के साथ। अब देखो आपका कैल्शियम आयन बाइंड हो गया ट्रोफोनिन के साथ, जिससे क्या होता है कि यहाँ पर ट्रोफोनिन जो प्रोटीन है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है, ठीक है, यानी एक्टिन से वो रिमूव हो जाती है। जैसे ही वो रिमूव हो जाती है फिर मायोसिन प्रोटीन जो है यहाँ पे एक्टिन पे बाइंड हो जाती है। और जैसे ही आपकी मायोसिन प्रोटीन बाइंड हो गई फिर क्या होता है, फिर होता है मसल का कॉन्ट्रेक्शन। ये आपको पता लग गया है, ठीक है। बट क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर EDTA डाल दिया जाए मसल सेल में तो EDTA क्या करता है, वो इस कैल्शियम आयन को चिलेट करता है। अब अगर कैल्शियम आयन इसके साथ मतलब बाइंड नहीं हुआ, मतलब कि कैल्शियम आयन जो ट्रोफोनिन के साथ बाइंड नहीं हुआ, तो आपका ट्रोफोनिन जो है यहाँ जुड़ा रहेगा। अगर ट्रोफोनिन एक्टिन में जुड़ा रहेगा तो मायोसिन जो है वो एक्टिन के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। अगर मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड नहीं करेगा तो जो मसल कॉन्ट्रेक्शन है वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। यही क्वेश्चन ने बताया हुआ है। आई थिंक आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो मेरे को बार बार समझाने से बेटर ये कि थोड़ी आप वीडियो पीछे ले लें और एक बार दोबारा सुन ले। फिर भी आपको समझ नहीं आया हुआ है तो मेरा हमेशा नंबर जो है कमेंट बॉक्स में दिया होता है, मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जिनको कमेंट बॉक्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आलस लगता है, वो जस्ट यहाँ से मैसेज कर सकते हैं 9805032252। जिसको व्हाट्सएप में कोई दिक्कत है मैसेज करने से वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम में क्वेश्चन कर सकते हैं। वैसे आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ओके। इस टॉपिक में अगर चैप्टर की बात करूँ मैं, इस चैप्टर का ये छोटा चैप्टर है, इसमें क्वेश्चन कम है और ज़्यादातर जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद कैसे होगे, जस्ट आपको जो है रीड आउट करूँगा और पास करूँगा। बाकी इसके अलावा मैंने जितने भी आपको चैप्टर पढ़ाया 18-19, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो कंसेप्ट बेस्ड थे और मैंने उन चैप्टर से जो है 120-150 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्कुलर एंड नर्वस एक्साइटेबिलिटी इज लोअर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज द
कैल्शियम के थ्रू। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स आर लोकेटेड ओवर मिरोमाइसिन। ट्राइसेप्स मसल्स जॉइंस अल्ना विद ह्यूमरस, जो आपका ट्राइसेप्स मसल है वो अल्ना को ह्यूमरस के साथ जॉइन करता है। विच कार्टिलेज इज प्रेजेंट एट द जॉइंट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, दैट इज द हायलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। साइनोवियल फ्लूइड इज प्रेजेंट इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट, जो जॉइंट मूव कर सकते हैं एक दूसरे, मतलब थोड़े बहुत मूव कर सकते हैं, चलने में हेल्प करते हैं, वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड जो है प्रेजेंट होता है। मेटाबॉलिक आर्थराइटिस इज कॉमनली कॉल्ड गाउट। मसल्स ऑफ द हार्ट आर कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, स्ट्रैटेड होती है। मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री क्या होता है। आई थिंक आपके जो है ये 15 या 16 चैप्टर होना है, वहाँ मैंने डिटेल में पढ़ा दिया है, फिर भी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री में फ़र्क ये है दोस्तों कि वॉलेंट्री कंट्रोल वो होता है जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में हो। लाइक अगर मेरा मन अभी लोकोमोशन और मोमेंट को पढ़ाने का है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरा मन यहाँ पे वीडियो छोड़ने का होगा, मैं नहीं पढ़ाना है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मेरा मन हो मैंने जो है दौड़ना है भागना है तो मैं दौड़ूंगा भागूंगा खाऊंगा, जैसा मन हो मैं कर सकता हूँ, वो होती है वॉलेंट्री एक्टिविटी। एक होती है आपकी इनवॉलेंट्री एक्टिविटी। इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, मतलब कि जैसे ब्रीदिंग रेट है, ठीक है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हार्ट बीट है, जितना हमारा हार्ट बीट कर रहा है उतना ही करेगा। अगर हमारा मन करे मैंने इसको एक मिनट में 200 बार बीट करना है तो हार्ट फट जाएगा, आदमी फट जाएगा। मतलब हम इनवॉलेंट्री और स्ट्रैटेजिक मसल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कोटिलॉयड बोन इज फाउंड इन पेल्विक गार्डल ऑफ रैबिट। ऑब्टुरेटर फोरमेन इज प्रेजेंट इन पेल्विक गार्डल। द थिकनेस ऑफ ए स्ट्रैटेजिक मसल फाइबर इंक्रीजेज विद एक्सरसाइज। ये आपने ध्यान रखना है, जो स्ट्रैटेजिक मसल की जो थिकनेस है वो एक्सरसाइज से ही इंक्रीज होती है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ बोन। ये आपने ध्यान रखना है, जो आपका बोन का मेजर कंपोनेंट है आपका वो क्या है, वो कैल्शियम, ठीक है, हाइड्रोक्सीपेटाइट है। मिस्थेनिया ग्रेविस इज कॉज ड्यू टू द ऑटो एंटीबॉडी से जो है मिस्थेनिया ग्रेविस डिजीज होती है। केमिकल आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन आर कैल्शियम और मैग्नीशियम। हमेशा आपने याद रखना है कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो मसल कॉन्ट्रेक्शन में हेल्प करती है। हैवीएस्ट वर्टिब्रा इन मैन इज लंबर। एक्रोमियन प्रोसेस इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरियल गार्डल। टिटैनी इज कॉज्ड बाई हाइपोपैराथायरॉइडिज्म से जो है वो टिटैनी होती है, आपका टिटैनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल्स, दैट इज द आपका कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री मसल होती है, रेजिस्टेंस टू फैटिग होती है, ये आपकी स्ट्रैटेड मसल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेक्टोरियल गार्डल, दैट इज आपका ग्लेनोइड कैविटी। टू हाफ्स ऑफ पेल्विक गार्डल आर जॉइंट टूगेदर बाई प्यूबिक सिम्फाइसिस। ए जॉइंट मेड फॉर पावर इज, दैट इज आपका मैंडिबुलर जॉइंट, ठीक है। लोअर जॉ इज मेड अप ऑफ ए सिंगल बोन कॉल मैंडिबल, आपने देखा होगा, जिससे हम जो है उसको मूवमेंट करा सकते हैं मैंडिबल की निचले से, वो आपकी मैंडिबल होती है, मैंडिबल जॉइंट से बोलते हैं। मैंडिबल आपका लॉन्गेस्ट है और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है इन द फेस, ये भी एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फेस की लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, वो है आपकी मैंडिबल, ओके। इट फॉर्म द लोअर जॉ एंड होल्ड द टीथ इन प्लेस। फिर मूवमेंट ऑफ द लोअर जॉ ओपन एंड क्लोज द माउथ एंड अस अलाउ फॉर द च्यूइंग ऑफ फूड। लोअर जॉ मैंडिबल का काम क्या होता है, माउथ को खोलने का, बंद करने का, भोजन को चबाने का, वो भी मैंडिबल के थ्रू होता है। द लोअर सेट ऑफ टीथ इन द माउथ इज रूटेड इन द लोअर जॉ। द मैंडिबुलर जॉइंट इज ए जॉइंट मेड फॉर पावर, इट कनेक्ट द लोअर जॉ बोन टू द स्कल। सो द करेक्ट आंसर है आपका मैंडिबुलर जॉइंट। बोन्स बिकम फ्रेजाइल ड्यू टू ऑस्टियोपोरोसिस। कॉमन टू किडनी एंड स्केलेटन इन मैमल्स इज पेल्विस, जो है आपका मैमल्स में पाया जाता है आपका। स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय सोमेटिक नर्व्स। डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ पैराथोमोन इज आपका टिटैनी। दिस डिजीज इज डायग्नोस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी, दैट इज आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस। गाउट इज कॉज्ड ड्यू टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। वन ऑफ द रीजन ऑफ द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अमंग्स द
pores in India is due to eating of Lathyrus sativus. Which of the following two body parts do not appear in MRI? MRI में कौन से body part नहीं पाए जाते? वो आपका scapula और canines जो है MRI में नहीं पाए जाते हैं. Total number of muscles in the body of man is 639. Sesamoid bones are commonly found in palm of hand. Hands के palm में पाई जाती है आपकी sesamoid bones. The contraction of muscles of shortest duration is seen in that is the eyelids. During muscle contraction, immediate energy is provided by the phosphate zone से जो है immediate energy provide की जाती है. तो ये कुछ क्वेश्चन थे आपका locomotion और movement से. तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो मेरे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है मैं आपको TGT, PGT, TET, CTET जितना भी आपका सिलेबस है मेडिकल से रिलेटेड रहेगा वो मैं आपको कवर करा रहा हूँ MCQ के फॉर्म में. क्योंकि हमेशा बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस तो रट देते हैं MCQ सॉल्व करते नहीं है. अल्टीमेटली आपने करने MCQ है एग्ज़ाम में भी. तो मैं आपको MCQ कोशिश करता हूँ कि इससे आपका सिलेबस भी कोरिलेट कर दूँ. हाँ अगर आप लोगों का मन करता है कि मैं डिटेल में पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें किस चैप्टर को डिटेल बताओ तो उसमें मैं डिटेल बता दूंगा, मैं अच्छे से बता दूंगा. कुछ एक डेमो लेक्चर मैंने डिटेल बताया भी है जिससे मुझे अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला हुआ है. आप लोग भी उनको जो है विजिट कर सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल के लिए आप चैनल के साथ बने रहे. मैंने 11th का सिलेबस लगभग कवर करा दिया है, 12th का मैं अगले 15 से 20 दिन में कवर करा दूंगा. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.